हेलो एंड वेलकम टू एस ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम महाराष्ट्र बोर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 3 एडिशन का पेज नंबर 19, 20, 21 में जो भी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। देखो, अभी तक जो भी हमने एडिशन किया वो सभी जो एडिशन था वो विदाउट कैरिंग ओवर था, ठीक है। और इससे आगे जो हम अभी एडिशन देखेंगे वो है विद कैरिंग ओवर। तो ये कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो, यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं टेक्स्ट बुक में, वो देखते हैं हम। अभी विद कैरिंग क्या होता है वो देखेंगे। विद कैरिंग ओवर, यहाँ पर दो नंबर लिखे, थ्री डिजिट नंबर है दोनों भी, ठीक है। फर्स्ट थ्री डिजिट का एडिशन देखते हैं हम विद कैरिंग। यूनिट प्लेस में 7 प्लस 4 कितना होता है, 7 के आगे 4 काउंट करना है, 7 के बाद 8, 9, 10 और 11। अभी ये 11 हो गया तो इसको हम कैसे लिखेंगे 8 प्लेस पे, ठीक है ना। 11 को यहाँ पर कैसे लिखेंगे, नहीं लिख सकते ना। तो इसका जो यूनिट प्लेस का नंबर है, अभी 11 में यूनिट प्लेस में 1 है और 10 प्लेस में 1 है ना, तो इसका 11 का यूनिट प्लेस का जो नंबर है 1, उसको हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है। और जो 10 प्लेस का 1 है उसको 10 प्लेस में ऊपर लिखा, ठीक है। इन दोनों का टोटल 2 डिजिट नंबर आया। 2 डिजिट नंबर मतलब एक यूनिट और एक 10। तो यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस में लिखा और जो 10 प्लेस का डिजिट है उसको ऊपर 10 प्लेस में प्लेस किया, ठीक है। जो ये 10 प्लेस है इसमें अभी नेक्स्ट 10 प्लेस का टोटल करेंगे तो उसमें वो ऐड होगा, ओके। तो ये हो गया 7 प्लस 4 11 आता है। तो 11 में से यूनिट प्लेस हमने 1 यहाँ रखा और 1 10 प्लेस का जो था वो हमने कैरिंग ओवर किया। कैरिंग ओवर कौन से डिजिट में किया, 10 नेक्स्ट डिजिट में किया, 10 को किया, ठीक है। 10 प्लेस को दे दिया वो 1, ठीक है, क्योंकि वो 10 था, ये 10 था ना, तो 10 10 को दे दिया। अभी ये 10 1 प्लस 3 प्लस 7, इन तीनों को हमें ऐड करना है। तो 7 बिगर नंबर है, 7 के आगे 3 काउंट करेंगे, 8 9 10 और इसको भी ऐड करना है। 10 के बाद क्या आएगा, 11, ठीक है। अगेन टोटल 11 आया, तो ये भी 2 डिजिट है। तो अभी 10 प्लेस में 10 प्लेस में 11 आया है, तो 10 प्लेस में 110 हो गया ना, इसका वैल्यू क्या हुआ, 11 10 मतलब कितना, 110 राइट। इसका वैल्यू कितना है, 110। तो 10 प्लेस का 10 जो है हमने यहाँ पर ही रखा, 1 मतलब ये 10 है ना, यहाँ 1 की वैल्यू क्या है, 10। तो ये जो 1 है यहाँ पर रखा और जो सेकेंड जो आगे का नंबर है वो क्या है, ये तो 10 है, ये क्या है, 100 है। तो 100 को दे दिया, नेक्स्ट जो डिजिट है 100 का वहाँ पर प्लेस किया। ये जो 1 है वो 100 जो है वो 100 को दे दिया, ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये जो तीनों जो नंबर है इनकी टोटल 11 आ गई, तो 11 10 यानी 110। तो इसमें ये जो 10 है वो एज इट इज यहाँ पर रख दिया, 10 मतलब 1 यहाँ पर, 10 के प्लेस में क्या आएगा, 1 आया। और ये जो 1 है वो क्या है, 100 है, तो 100 को 100 प्लेस में दे दिया, यहाँ पर 1 को कैरी ओवर किया यहाँ 100 प्लेस में, ठीक है। अभी यहाँ पर जो नंबर है वो है 6 प्लस 5, इसमें ये 1 भी ऐड होगा, 100 भी इधर ऐड होगा। तो 6 के आगे 5 पहले काउंट करो, बिगर नंबर के आगे स्मॉलर नंबर, 6 के आगे 5 काउंट करेंगे, 7 8 9 10 और 11, 5 हो गया, ठीक है। 6 के आगे 5, 7 8 9 10 और 11, 11 में और एक ऐड करेंगे तो 12। तो ये 12 क्या आया, 100, 12 का क्या आया, 1200 आया। तो 1200 ऐसे ही होता है ना, 1200, ठीक है।
तो इस 1200 को 2 को 200 को तो एज इट इज यहाँ पे रख दिया, और ये जो 1 है ये क्या है, 1000 है, तो 1000 को 1000 को दे दिया, नेक्स्ट कैरी ओवर किया 1000 के प्लेस में, कैरी ओवर किया 1 को, तो ये जो 1 है यहाँ पर 1000 प्लेस में कैरी किया, ओके अगले प्लेस में कैरी किया, ठीक है। और ये जो इसका जो टोटल आया था 100 का, वो 200 वो 200 को के प्लेस में रख दिया, 100 को 100 प्लेस में रख दिया, और जो 1000 है 1000 को नेक्स्ट डिजिट में कैरी कर लिया 1000 के। अभी यहाँ पे 1 है, और ये जो 3 डिजिट की नंबर है ना, यहाँ पर फोर्थ डिजिट में तो 0 है, यहाँ पर 0 है, कुछ नहीं है, ब्लैंक है, तो 1 प्लस 0 क्या आएगा, 1, ठीक है। तो ये होता है एडिशन विथ कैरी ओवर, ओके। तो इसको हम और डीपली देखते हैं कैसे करेंगे, तो ये तो मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे, और कुछ आगे सम ऐड करेंगे तो और अच्छा समझेंगे आप, ठीक है। तो देखो पेज नंबर 19 में यहाँ पे 3 सम दिए हैं, जो है एडिशन विथ कैरिंग ओवर, ये सम हमने सॉल्व करने हैं, सॉल्व द सम्स गिवन, ठीक है। तो ये सम सॉल्व करते हैं। अभी कैरिंग ओवर हमने कॉन्सेप्ट तो देख लिया, कैरिंग ओवर क्यों किया है, ठीक है। और डीपली देखेंगे ये फर्स्ट सम क्यों कौन सा है, 548 प्लस 957। अभी ये यूनिट प्लेस में जो टोटल करेंगे दोनों का तो क्या होगा, वो सिंगल डिजिट नहीं होगा, वो टू डिजिट होगा, ठीक है। एट बिगर नंबर है, एट के बाद हम सेवन काउंट करेंगे, एट के आगे सेवन काउंट करो, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है। तो 15 आता है, कितना आएगा, 15 आएगा यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर 15 नहीं लिखना है हमें, ये जो है यूनिट प्लेस का, यूनिट प्लेस में लिखना है 5, यूनिट प्लेस का यूनिट प्लेस में लिखा, और ये जो है 1 क्या है, ये 10 है, 110 5 यूनिट, तो 110 में जाएगा, यहाँ पर हमने कैरी किया 1 को, ओके 1 को कैरी किया, ठीक है। अभी 10 प्लेस में कौन सी नंबर है, 4 प्लस 5 9 होता है, 5 के आगे 4 काउंट करो, 6, 7, 8, 9, 9 में ये भी ऐड करना है जो हमने कैरी किया है यहाँ से, 110 जो यहाँ पर एक्स्ट्रा आया था वो यहाँ पर लिखा कैरी किया है, तो इसको भी ऐड करना है, तो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, तो यहाँ पर कितना आया है, 10 आया है। तो 10 में जो ये जो 0 है वो यहाँ लिखेंगे, और जो ये 1 है उसको हम कैरी करेंगे और 100 प्लस में लेके जाएंगे ऊपर, ठीक है, ठीक है। 2 डिजिट में लास्ट डिजिट यहाँ पर रखा, और जो पहले वाला डिजिट है उसको हम ऊपर लेके गए नेक्स्ट डिजिट में, ठीक है, 100 प्लस में। अभी 100 प्लस में 5 प्लस 9 के आगे 5 काउंट करो, 10, 11, 12, 13, 14, 14 में एक और ऐड होगा, 15, तो ये हो गया यहाँ पर 15, ठीक है। 15 एज इट इज लिखा हमने यहाँ पे, क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे आगे कुछ एडिशन करना ही नहीं है हमें, 3 डिजिट का था, ठीक है। 3 डिजिट, दोनों 3 डिजिट को ऐड करेंगे तो हमें कौन सा नंबर मिला है, 4 डिजिट नंबर मिला है, इसलिए यहाँ पर 4 डिजिट प्लस किया है, यूनिट 10, 100 और 1000, ओके। तो समझ में आया होगा ये सम, आगे देखते हैं और क्लियर होगा। 9 प्लस 0 इज 9, 5 प्लस 7, 7 के आगे 5 काउंट करना है, 8, 9, 10, 11, 12 का 12 है, लास्ट वाला नंबर यहाँ पे रखना है और फर्स्ट नंबर यहाँ पर आगे के डिजिट में ऐड करना है, ठीक है।
अभी 6 प्लस 8, 8 के आगे 6 काउंट करना है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 प्लस 1, 15, 15 को डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि आगे एडिशन करना नहीं है, ओके? लास्ट वाला सम, यूनिट प्लस में 9 प्लस 1 कितना होता है, 10 होता है, 10 में हमें जो लास्ट डिजिट है वो यहाँ रखना है, फर्स्ट डिजिट आगे कवर, आगे कैरी ओवर करना है, ठीक है? ये जो डिजिट है आगे फर्स्ट डिजिट को कैरी ओवर करना है, ठीक है? अभी 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, अगेन 10 आया यहाँ पर, अगेन क्या आया, 10 आया यहाँ पर, तो 0 हमने ऐसे ही रखा यहाँ, और जो ये जो फर्स्ट नंबर है उसको कैरी किया नेक्स्ट प्लेस पे जो 100 प्लेस है, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 1 क्या होता है, 10, तो 10 अभी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ ख़त्म हो गया हमारा सम, ठीक है? तो ये हो गया एडिशन विद कैरी ओवर, और इसको क्लियरली समझेंगे, आगे भी सम्स हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पेज नंबर 20 में क्या है, एडिशन ऑफ फोर डिजिट नंबर। चलो ऐड करते हैं, फर्स्ट सम है 5642 प्लस 4179, तो यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कभी भी एडिशन हम यूनिट प्लेस से ही स्टार्ट करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन कहाँ से स्टार्ट, पहला फर्स्ट प्लेस कौन सा होता है, यूनिट प्लेस का होता है, तो इसीलिए यूनिट प्लेस से ही स्टार्ट करना है, थाउजेंड प्लेस से ही नहीं करना है, यूनिट प्लेस से करना है। तो 9 प्लस 2 क्या होता है, 9 के आगे 2 काउंट करो, 9, 10, 11, ओके 11 आया, 11 में 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पर, लास्ट नंबर यहाँ पे और फर्स्ट जो डिजिट है उसको कैरी किया, 1 यहाँ पे रखा, 1 यहाँ पे, ठीक है? अभी 10 प्लेस में 4 प्लस 7, 7 के आगे काउंट करो, 4, 7 के बाद में 8, 9, 10, 11, 11 में एक ऐड होगा, 12, 12 आया, 2 यहाँ पे रखा, लास्ट नंबर यहाँ पे 2, फर्स्ट नंबर 1 यहाँ पर कैरी किया। अभी 100 प्लेस में 6 प्लस 1, 7, 7 प्लस 1, 8, 8, अभी यहाँ कुछ कैरी नहीं करना है, 8 एज इट इज यहाँ रख दिया हमने, ठीक है? 5 प्लस 4, 5 के आगे 4 काउंट करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 9 आया, यहाँ पर भी कैरी नहीं है, करना नहीं है, ठीक है? ये हो गया। नेक्स्ट सम 4984 प्लस 775, 5 प्लस 4, 5 के आगे 4 काउंट करना है, 9, 5 प्लस 4, 9, 8 प्लस 7, 8 के आगे 7 काउंट करेंगे, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 होगा, 15 हुआ है, 15 में लास्ट नंबर 5 यहाँ पर रखना है, और 1 जो है फर्स्ट नंबर जो है उसको अगले प्लेस में कैरी करना है, ठीक है? 1 को हमने कैरी किया यहाँ पर, 9 प्लस 7, 9 के आगे 7 काउंट करो, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 1, 17, इसको भी ऐड करना है ना, 17 हुआ, 17 का 7 यहाँ पर कितना आया, 17, 17 का लास्ट नंबर 7 यहाँ पे रखा, 1 को क्या किया हमने, कैरी ओवर किया, ठीक है? यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर क्या आया था, 12 आया था, 1 को कैरी किया, यहाँ पर कितना आया था, 11 आया था, 1 को कैरी किया, ठीक है? तो लास्ट जो नंबर है वो यहाँ पर रख दिया हमने, और फर्स्ट जो नंबर है उसको कैरी किया। अभी 4 यहाँ पर सेकंड कुछ नहीं है, ब्लैंक है, 4 प्लस 1, 5, इसको ऐड करना है ना, 1000 प्लेस में जो आया वो ऐड करना है, 4 प्लस 1, 5, हो गया ये। नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर, उसको सॉल्व करते हैं, 0 प्लस 9, 9 में 0 ऐड किया, 9 ही आएगा, 5 प्लस 2, 5 प्लस 2, 5 के आगे 2 काउंट करो, 6, 7, ओके, यहाँ पर कुछ नहीं, ब्लैंक है, 8,
कुछ नहीं है ब्लैंक, 8 का 8 ही रहेगा, 7 का 7 ही होगा, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 0 है, 8 प्लस 0 8, 7 प्लस 0 7, ओके ये हो गया। नेक्स्ट कौन सा सम है, फोर्थ नंबर, वो देखेंगे। वो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमें प्रिंटेड दिया था ऊपर, ठीक है, यहाँ पर हमें बनाना है, फॉर्मेट तो दिया है, ठीक है। अभी टू नंबर्स को हमने ऐड किया था ऊपर, यहाँ पर हमने टू डिजिट नंबर को ऐड किया था। अभी यहाँ पर फोर्थ जो सम है वहाँ पर थ्री नंबर्स है, फर्स्ट नंबर फोर डिजिट, सेकंड नंबर थ्री डिजिट और थर्ड जो नंबर है वो टू डिजिट। अभी इसको करते हैं सॉल्व, ये तो ब्लैंक रखना है, यहाँ पर हमें कैरी ओवर जो नंबर्स आएंगे वो लिखने हैं, इसके लिए ब्लैंक रखेंगे इसको। जब तक आपको एडिशन प्रॉपरली आता नहीं तब तक आपको ये फॉर्मेट में ही एडिशन करना है, ठीक है। फर्स्ट जो नंबर है वो 5689, नेक्स्ट जो नंबर है 135, नेक्स्ट जो नंबर है 135, ओके, प्लेसेस बराबर देख के लिखने हैं। लास्ट जो नंबर है वो 87 यहाँ पर आएगा, 87, ठीक है। तो सम हमने क्रिएट कर लिया है, इसको ऐड करते हैं, 9 प्लस 5, 9 के आगे 5 काउंट करेंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 14 में काउंट करेंगे 7, 14 के बाद में 7 काउंट करो, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 का 1 इधर और 2 इधर, यहाँ पर कितना आया है, 21 आया है, 1 लास्ट नंबर यहाँ पे रहेगा, और फर्स्ट जो नंबर है वो होगा कैरी ओवर नेक्स्ट प्लेस पे, नेक्स्ट प्लेस 10 प्लेस है, 2 यहाँ पर कैरी हो गया। अभी यहाँ टोटल में ये 2 भी इंक्लूड होगा, ये हो गया यूनिट प्लस का टोटल। अभी 10 प्लस का टोटल करते हैं, यहाँ पर कौन सा बिगर है, 8 बिगर है ना, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ठीक है। 8 के 8 में ऐड करेंगे 3 पहले, ठीक है, 8 में ऐड करो 3, 8 के आगे काउंट करो 3, 8 9 10 11, 11 में 8 ऐड करो, 11 के आगे 8, 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 में 2 ऐड करो, 19 20 21, ओके, यहाँ पर क्या आया है 21। फिर से हम काउंट करेंगे अगेन एक बार, कभी भी 2-3 बार कंफर्म कर लो, 8 में ऐड करेंगे 3, 8 के बाद 3 ऐड करो, 8 9 10 और 11, ठीक है, 11 में ऐड करो 8, 11 में 8 ऐड करना है, 11 के बाद में 12 13 14 15 16 17 18 19, 8 ऐड हो गया, 19 में 2 ऐड करना है, 20 और 21 हो गया, 21 राइट है ये। 1 जो लास्ट नंबर है 1 इसको यहाँ पर रख दिया, और फर्स्ट जो नंबर है उसको कैरी ओवर किया नेक्स्ट प्लेस पे, 2 कैरी ओवर हो गया 100 प्लेस में, ओके। 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 8 और 9, 9 यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर कैरी करना नहीं है, 5 यहाँ पर बाकी कुछ नहीं है, 5 का 5 यहाँ पर रहेगा, 5 प्लस 0 5 हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर 7, पहला नंबर है सिंगल डिजिट, उसके बाद में 4895, 4 डिजिट नंबर है, 4895, ओके, 4895। नेक्स्ट जो नंबर है 137, 137, ठीक है, बराबर से प्लेस किया हमने, पहले देख के बराबर से प्लेस किया है,
यूनिट प्लस में ही आना चाहिए, 10 प्लस 10 प्लस में आना चाहिए, 100 100 प्लस में ही आएगा और 1000 1000 प्लस में ही आएगा। यूनिट प्लस का टोटल करेंगे हम 7 प्लस 5, 7 के आगे 5 काउंट करो, 8 9 10 11 12, ओके 12 हुआ, 12 में 7 ऐड करना है, 12 13 14 15 16 17 18 19 19 का देखो 19 का 9 लास्ट नंबर यहाँ पे फर्स्ट नंबर कैरी ओवर हुआ, ठीक है। अभी 9 प्लस 3, 9 के आगे 3 काउंट करना है, 9 10 11 12, 12 में 1 ऐड होगा, 12 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 13 13, यहाँ पे कितना आया 13 13 का 3 यहाँ पर होगा और लास्ट नंबर यहाँ पे होगा और फर्स्ट जो नंबर है वो कैरी करना है नेक्स्ट प्लेस पे, ठीक है। 1 कैरी किया 100 प्लेस में, 8 प्लस 1 9 9 प्लस 1 10, यहाँ पर कितना आया 10, तो लास्ट जो नंबर है 0 यहाँ पर रहेगा, फर्स्ट जो नंबर है उसको कैरी किया, ओके। 1 कैरी किया 1000 प्लस पे, 4 प्लस 1 कितना हुआ 5, तो ये हो गया टोटल हमारा, एडिशन हो गया ये 5th का। अभी 6th में जो एडिशन लिया है वो करते हैं। फर्स्ट नंबर 239, सेकेंड नंबर 5310, थर्ड नंबर 30 है, ओके राइट, प्लेसमेंट सही है। यूनिट प्लेस में यूनिट प्लेस के नंबर आए, 10 में 10 प्लेस के नंबर आए, 100 प्लेस में 100 प्लेस के नंबर आए और 1000 प्लेस में 1000 प्लेस का नंबर आया है। अभी टोटल करेंगे यूनिट प्लेस का, 9 प्लस 0 प्लस 0, 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 ही हुआ, 3 प्लस 1 4 4 प्लस 3, 4 में 3 ऐड करना है, 4 5 6 7, ठीक है 7 हो गया। नेक्स्ट 100 का टोटल करेंगे, 3 प्लस 2 5, और 1000 में ओनली 5 ही है, 5 प्लस 0, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 5 का 5 ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज दी थी हमने कर दी, ठीक है। इसमें हमने दोनों देखा, कैरिंग ओवर भी देखा और विदाउट कैरिंग ओवर भी देख लिया। आई थिंक आपको कैरिंग ओवर अभी एडिशन विद कैरिंग ओवर समझ में आया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज में क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट जो पेज है 21, उसमें लिखा एक्सरसाइज है, फर्स्ट ऐड द फॉलोइंग, ठीक है। ये जो नंबर है वो है 5 डिजिट नंबर, अभी तक हमने 4 डिजिट नंबर को ऐड किया था ना, ये है 5 डिजिट नंबर। तो इसमें यूनिट 10 100 1000 में एक ऐड हो गया 10000, ठीक है। यूनिट प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस और 10000 प्लस, ये ऐड हो गया, ठीक है। ये जो एडिशन करने के लिए सम हमें दिया है इसको हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। फर्स्ट जो नंबर है वो 7000 है, 7859 नंबर है। दूसरा जो नंबर है 8546, ठीक है। ये दोनों भी 4 डिजिट नंबर है, बट इसको हम ऐड करेंगे तो हमें जो टोटल मिलेगा वो 5 डिजिट नंबर होगा, इसीलिए ये एक प्लेस एक्स्ट्रा है, ऐड है, ठीक है, यहाँ पर आया है। अभी यूनिट प्लेस का टोटल करेंगे, 9 प्लस 6, 9 के आगे 6 काउंट करना, 9 के आगे 6 काउंट करो, 9 के बाद में 10 11 12 13 14 15 15 आता है यहाँ पर, तो 5 जो लास्ट नंबर है इसको 5 को यहाँ पे रखेंगे और 1 जो नंबर है फर्स्ट नंबर को करना है कैरी नेक्स्ट डिजिट में, ठीक है।
नेक्स्ट प्लेस में कैरी किया ऊपर टॉप पे। 10 प्लेस का टोटल करेंगे, 5 प्लस 4 इज 9, 9 प्लस 1 इज 10। अगेन यहाँ पे 2 डिजिट आया, 0 जो लास्ट नंबर है वो यहाँ पर लिखा, और फर्स्ट जो नंबर है वो उसको किया कैरी नेक्स्ट प्लेस में। 8 प्लस 5, 8 के आगे 5 काउंट करना है, 8 के बाद में 9, 10, 11, 12, 13 हुआ, 13 में 1 ऐड होगा 14। 14 अगेन ये 2 डिजिट नंबर है, 4 को यहाँ पर ही रखना है लास्ट नंबर को, और फर्स्ट जो नंबर है उसको किया कैरी नेक्स्ट प्लेस में। नेक्स्ट प्लेस 1000 प्लेस है, अभी 1000 प्लेस का टोटल करेंगे, 8 प्लस 7, 8 में 7 ऐड करो, 8 के आगे काउंट करना है, 7 प्लस 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 में ये भी ऐड होगा एक 16, तो यहाँ पर क्या आया 16 आया ना, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर प्लेस है, 2 प्लेसेस है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने लिखा 16। ठीक है, अभी यहाँ पर कैरी करने की जरूरत नहीं, मतलब अगर ये 6 यहाँ लिखेंगे, देखो ये 16 यहाँ लिखेंगे, 6 अगर यहाँ पे लिखते हैं और 1 यहाँ पर हम कैरी करते हैं तो 1 का टोटल यहाँ पे 1 आता है। ओके, हो गया ये। तो हमने देखा अभी 5 डिजिट नंबर, यहाँ पर ये जो दोनों भी जो है वो क्या है, 4 डिजिट नंबर, लेकिन टोटल करके कौन सा नंबर मिला हमें, 5 डिजिट नंबर। और ये जो सम है वो है विथ कैरिंग ओवर, एडिशन विथ कैरिंग ओवर। ओके, नेक्स्ट जो सम है वो करते हैं सॉल्व। फर्स्ट नंबर है 8888 प्लस 4576। ओके, 8 में 6 प्लस 8 में ऐड करना है 6, 8 के आगे 6 काउंट करेंगे, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 आया, 4 को यहीं पे रखना है, 1 को कैरी करना है, लास्ट नंबर यहीं पे रहेगा, फर्स्ट नंबर कैरी होगा नेक्स्ट प्लेस में। ठीक है, अभी 10 प्लेस का टोटल करेंगे, 8 प्लस 7, 8 के बाद 7 काउंट करो, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 में एक ऐड हो गया 16, क्या आया 16 आया, 6 को यहीं पे रखेंगे लास्ट नंबर को, और फर्स्ट नंबर को कैरी करेंगे नेक्स्ट प्लेस पे जो है 100 प्लेस। 8 प्लस 5, 8 के आगे 5 काउंट करो, 9, 10, 11, 12, 13, 13 में होगा एक ऐड 14, यहाँ पर आया 14, 4 को लास्ट नंबर को यहीं पे रखेंगे, फर्स्ट नंबर को कैरी करेंगे नेक्स्ट प्लेस में जो है 1000 प्लेस। 8 प्लस 4, 8 के बाद 4 काउंट करो, 9, 10, 11, 12, 12 में 1 ऐड होगा 13, अभी ये 3 यहाँ पे रहेगा, 13 आया, लास्ट नंबर यहीं पे रहेगा, फर्स्ट नंबर कैरी हुआ, और ये 1 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, 0, 1 का 1 ही यहाँ पर आया। ओके, 13,464 टोटल आया। रिमेनिंग एक्सरसाइज हम पार्ट 3 में देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।